तो गाइस आज हम आपको बताते हैं कि यूएस से टिकटॉक अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत ही परेशान हैं। तो मैंने बहुत ही आसान तरीका ढूंढ लिया, तो आप प्लीज देख लीजिए। पहले हम ये देखेंगे कि प्ले स्टोर से सुपर वीपीएन को डाउनलोड करेंगे। ये हम लिखते हैं सुपर वीपीएन, ये आ जाता है। तो ये है, इसे इंस्टॉल करने के बाद हम चले जाते हैं फिर गूगल क्रोम पे। वहां पे लिखते हैं टिकटॉक। आपके पास एक शर्त के नेट बहुत फास्ट ही होना चाहिए, चाहे आप इसे अपनी कॉपी पे लिख लें तो ज्यादा बेस्ट है। क्या आप वाईफाई के साथ कनेक्ट करके फिर सारा सिस्टम प्रोसेस करें। ये देखिए हम आप लिखते हैं टिकटॉक, ये आ गया टिकटॉक। तो हम ये जो आप देख रहे हैं साइन अप, हम इधर साइन अप करेंगे और न्यू ईमेल बनाएंगे, उसके जरिए हम फिर वो पासवर्ड वगैरह डालेंगे। और जब उधर साइन अप हो जाए कि हम फिर चले जाएंगे टिकटॉक पर। तो इधर जाने के बाद हम ये देखें ये सब प्रोसेस हो रहा है, देखते जाए आप प्लीज। अगर लिस्ट में तो और बहुत ही अच्छा होगा। एक शर्त है कि नेट आपके पास बहुत तेजी होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रोसेस होता है, वो थोड़ा जल्दी में करना होता है। तो आपको चाहिए कि वाईफाई के साथ कनेक्ट कर ले इसे। जब ये आ जाएगा तो आप प्रोफाइल पर सीधा चले जाएंगे। ये देखिए प्रोफाइल में आने के बाद हम आ जाते हैं इधर। तो ये देखिए जैसा कि मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो क्रेडिट टूल्स वगैरह भी आ जाता है इधर। तो हम इधर तो आ गए पहले आपको, फिर उधर रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर हम ये देखिए एड अकाउंट लिखा हुआ है, इधर क्लिक करेंगे, वही ई मेल और पासवर्ड फिर इधर देंगे तो हमारे ऑटोमेटिक लॉग इन पर हो जाएगी और हमारा ये अकाउंट बन जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। क्रिएटिव प्रोग्रामिंग बीटा वगैरह वो ऑप्शन वो इजिली आ जाता है। फिर आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट बन गया है, तो आप ऐसे इजिली करना सकते, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कोई पैसे करने की जरूरत नहीं, आप खुद भी बना सकते हैं। प्लीज ये फॉलो कर देना।